अस्सलाम वालेकुम। सैलरी और पेंशन में इंक्रीज़ की अब अफवाहें आना शुरू हो गई हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि मुस्तनद खबरें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि 3 तारीख को जंग अखबार ने ये खबर लगा दी थी कि 12% तक तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की तजवीज़ है, जबकि 4 तारीख को एक्सप्रेस न्यूज़ में खबर आई है जिसने वो 12% की तो मुस्तरद कर दी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी खबर दी है और वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और इवन जो जंग अखबार की खबर थी उसमें भी उन्होंने अंदिया दिया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि 12% हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़ कोई मेरी फूफी नहीं लगते, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो अगर आपके साथ अब ज़ाहिर है मैंने न्यूज़ अपडेट शेयर करनी होती है, जो भी अपडेट जैसे भी आती है शेयर करता हूं, तो अगर उसमें कोई बुरी खबर आ जाती है तो उसको काइंडली बर्दाश्त किया करें। वो मैं कोई अपनी तरफ से आपको कोई मेरा मकसद आपको डिसअपॉइंट करना नहीं होता, आप उसमें बजाय इसके कि आप हाँ ये हो सकता है कि कई दफ़ा तो आप बल्कि गलत फहमी की बुनियाद पर किसी खबर को देखते हैं तो फिर भी आप कमेंट्स में बड़ी गलत बातें शुरू कर देते हैं, यानी मैं क्या एब्यूजिव हो जाते हैं, और इसी तरह से अगर कोई अच्छी खबर होती है तो उसको अप्रिशिएट तो आप कम ही करते हैं। बहरहाल आपके साथ अपडेट शेयर करना मकसद होता है, अब हालात ही वैसे चल रहे हैं तो अच्छी खबरें कम ही आती हैं, बहरहाल आज एक अच्छी खबर है इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 4 तारीख को जो खबर आई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उसके मुताबिक अब गवर्नमेंट ने ये जो बजट प्रिपेयर किया है 2024-25 के लिए, उसमें तजवीज़ दी है कि 25% तक तनख्वाहें और पेंशन का इजाफा कर दिया जाए, और इसके अलावा मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस को भी डबल कर दिया जाए, यानी उसमें 100% इजाफे की तजवीज़ है। अभी इस पर अमल दरामद होता है, इसकी अप्रूवल होती है या नहीं होती वो बाद की बात है, लेकिन तजवीज़ 25% की है। लेकिन इसमें एक फिर गड़बड़ कर गई है गवर्नमेंट, जो आपको बताना ज़रूरी है कि वो 25% इंक्रीज़ नहीं होगी सैलरी में, क्योंकि अगर वो सैलरी में इंक्रीज़ हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपके तमाम बाकी के अलाउंसेस जो हैं वो भी 25% इंक्रीज़ हो जाते हैं। यहाँ ऐसा मामला नहीं है, वो 25% इंक्रीज़ जो सैलरी की है उसको एडहॉक रिलीफ के तौर पर आपकी तनख्वाहों में शामिल किया जाएगा, यानी वो एज सच एक 25% का एक अलाउंस ऐड हो जाएगा, उसका बाकी आपके अलाउंसेज बाकी चीज़ें बाकी मराज जो भी होंगी उसके ऊपर उसका कोई एज सच फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ ये ज़रूर है कि मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस को डबल करने की तजवीज़ आ रही है, तो जैसे ही इसमें मज़ीद अपडेट आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और इस मालूमात को आप भी दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।